ईरान की ओर से जब्त किए गए इजरायली मालवाहक जहाज पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरान ने यूएई से भारत आ रहे जहाज एमएससी एरिस पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना के कमांडो ने इजरायल के साथ संबंध के आरोप में भारत आ रहे इस जहाज पर कब्जा किया। इस जहाज पर 17 भारतीयों के सवार होने की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में इस जहाज पर भारत सरकार की कड़ी नजर है। इसी बीच अब इन भारतीयों की वापसी को लेकर बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल तेहरान की ओर से कहा गया है कि वो भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही भारतीय चालक दल से मिलने की इजाजत देगा। ये आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के बीच बातचीत के बाद मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की थी। उन्होंने इस दौरान एमएससी एरिस जहाज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग उठाई। फोन पर बातचीत के दौरान जयशंकर ने ईरान इजराइल शत्रुता के संदर्भ में तनाव बढ़ाने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर कहा, आज शाम ईरानी विदेश मंत्री से बात हुई। एमएससी एरिस के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों की रिहाई का मुद्दा उठाया, क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, तनाव बढ़ाने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के मार्ग पर लौटने के महत्व पर जोर दिया, संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी। एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि वो हिरासत में लिए गए जहाज पर नजर रखे हुए हैं, जल्द ही इसके चालक दल के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक कराई जाएगी। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमला हुआ था। इसमें 2 जनरल सहित ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 7 कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के जवाब में तेहरान ने शनिवार देर रात इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागी। भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए तत्काल तनाव कम करने की अपील भी की। भारत ने कहा कि क्षेत्र में उसके दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से बहुत चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।